तो ये देखिए, हमने ये दो पोलर पहले कमेंट करके बताएं कि दोनों मेल है या दोनों फीमेल है। पोलर तो जल्द। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज वो दिन आ चुका है जिस दिन आज हम पोलर पैरेट लेने जाने वाले हैं। और काफ़ी सारे लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था हमारे, जो 1.5 फीट के टैंक इतने दिन से साइकिल हो रहा था, आज जाके भरने वाला है। और मैं इसमें एक मेल और फीमेल पैरेट लाने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्रीड करूँगा। मैं नहीं करूँगा, वो खुद करेंगे। मैं उन्हें सेटअप दे रहा हूँ, वो खुद करेंगे, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। और इसमें जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूँ शॉप और दिखाता हूँ कि वहाँ कैसी कैसी मछलियाँ रहती हैं और क्या क्या होता है। तो चलिए चलते हैं शॉप और लेके आते हैं जल्दी से दो पोलर पैरेट। तो ये देखिए, हमने ये दो पोलर पहले उठा लाया है और जैसे मैंने इसे इस झिल्ली में डाला तो इसका कलर तो पूरा उड़ गया। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने आपको दिखाया था अभी शॉप की वीडियो, उसमें कितने ही ज़्यादा इसमें कलर दिख रहे थे। और ये ब्लू और ब्लैक अलग से दिख रहे थे, हल्का सा ब्लू, पूरा तो ब्लू नहीं है, लेकिन इस पानी में आते साथ इसका रंग पूरा बदल गया है। और ये सिगलेट फैमिली की है तो इसका ये करना, रंग बदलना वाला जो होता है वो करते ही हैं ये, क्योंकि पानी चेंज हुआ है इनका इसलिए। तो मैं जल्दी से इसे एक्लिमेटाइज करने वाला हूँ और इसी टैंक में करेंगे क्योंकि ये इसी टैंक में रहने वाला है। तो चुपचाप इसे छोड़ना है हमें 15 मिनट के लिए। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैंने चुन के लाया है मेल और फीमेल, लेकिन मैं हल्का सा कन्फ्यूज हूँ कि ये मेल है या फीमेल है। आप मुझे कमेंट करके बार ज़रूर बताएं, कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोलर पैरेट मैं पहली बार पाल रहा हूँ। तो आप लोग अगर दिखता है इसमें कुछ भी तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये दोनों मेल है या दोनों फीमेल है। जो भी हो, मुझे पता है इसमें से एक तो मेल ही है। मैं क्या सोच के लाया था, देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट वाली है, इधर वाली, वो है मेरी मेल, मुझे ऐसा लगता है। क्या मैं सही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो दूसरी वाली है वो फीमेल है, तो वो आप दोनों मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सी मेल और कौन सी फीमेल है, ताकि मैं कन्फर्म हो जाऊँ। नहीं तो मैं इसमें से फीमेल लाऊँगा ज़रूर दूसरी, क्योंकि मुझे मेल को ब्रीड कराना है, फीमेल को ब्रीड कराना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है फीमेल खोजने में, क्योंकि छोटे हैं ये पोलर पैरेट और छोटे साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है पता लगाने में कौन सा मेल है फीमेल है। तो फिर भी लेट्स देखते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा होशियार हैं इसीलिए। तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे और छोड़ते हैं इसे 15 मिनट के लिए, 15 नहीं, इसे हम आधे घंटे छोड़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी पैरेट है। हमारी बेटा फिश नहीं है जो बहुत हार्डी है, ये हार्डी है लेकिन उतनी हार्डी नहीं है, लेकिन हम पूरी प्रिकॉशन लेंगे और उसके बाद ही हम डालने वाले हैं इसे। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट हो चुके हैं और हमें आधा घंटा रखना था इसे, लेकिन मुझसे सब्र ही नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ इसे अब मैं खोल दूँ, पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस तो मेरे में है ही नहीं, और मैं बहुत ही जल्दी से खोल दूँगा। अब ये देखिए, तुरंत ही खुल जाता है ये, पता नहीं कैसे बांधते हैं वो आदमी लोग। तो देखिए खुल चुका है और हम इसको अपने स्टिक से निकालेंगे। एक भाई मुझे कमेंट करता है, कहाँ गया मेरा स्टिक, ये मेरा स्टिक, बोलता है कि भैया आप इसमें स्टिक से क्यों निकालते हो। भाई ये काम ही इसी के लिए, स्टिक से निकालने के लिए। चाहे तो मैं हाथ से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हाथ क्यों लगाऊँ जब मेरे पास स्टिक है। तो जल्दी से इसका पानी चेंज करते हैं, चेंज नहीं करेंगे, ड्रेन आउट। ओ भाई ये देखिए, क्यूटी क्यूटी क्यूटी। तो चलो जल्दी से इसका पानी निकालते हैं, या नहीं निकालेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा कि हम इतने आधुनिक हो चुके हैं। ये देखिए ऐसे करना है इसे और डालना है छड़ी, बैंग बैंग। ये देखिए एक ही बार में मैंने दो को पकड़ लिया सीधा। आ जाओ दोस्तों, तुम्हारे नए घर में तुम्हें छोड़ने वाला हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी आसानी से आ चुकी है ये हमारे अंदर। और इसको हम छोड़ेंगे प्यार से, बहुत धीरे से। ये देखिए पोलर पैरेट फाइनली, बहुत दिन के बाद हमने एक मछली लाई है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मछली के लिए भी, क्योंकि ये ब्रीड करेंगी और ये बच्चे भी देंगे। और मैंने इसके लिए हाइडिंग प्लेस भी ऐड करूँगा मैं, अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था तो मैं कर नहीं पाया। ये देखिए निकल चुकी, अरे हम तो बेटा फिश को निकालना भूल गए इस टैंक में से, बाप रे बाप, इतनी बड़ी गलती हो गई हमारे से। ये देखिए पोलर पैरेट आ चुकी है फाइनली,
और अब आप देख सकते हैं क्लियरली, और आप बताएं मुझे कमेंट करके कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है। तो मुझे लग रही है ये है मेल हमारा और ये फीमेल, तो क्या मैं सही हूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर ज़रूर, क्योंकि ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये ब्रीड नहीं कर पाएंगी और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और हमारे वाइट वाले सैंड में तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, और अभी आपको थोड़ा इसका लाइट कलर दिख रहा हो क्योंकि पानी चेंज हुआ है, और आप देखें इसमें तो इसका कलर दिख ही नहीं रहा था, लेकिन देख सकते कितनी ज़्यादा हेल्दी और क्यूट है। पता नहीं कोई मछली इतनी क्यूट कैसे हो सकती है, इसका मुंह देख के ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। और कैसी लगी आपको मेरी हेल्दी पैरोट फिश, मैंने बहुत ज़्यादा छाट के लाया, आप देख सकते हैं वहाँ पे कितनी सारी थी, और मैं बहुत ज़्यादा छाट के लाया हूँ क्योंकि मैं अब कुछ भी नहीं चाहता कि हमारी फ़िश को कुछ भी हो, क्योंकि पिछली बार हमने भी ऐसी लाया था और वो फिर मर गई थी। जैसे गोल्ड फिश की बात करते हैं उसमें इतने सारे एंकर वॉर्म लग गए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये देखिए टैंक भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ये मछलियाँ ब्रीड करेंगी और इसमें बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे। देख सकते हैं बेटा फिश वहाँ बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही, लेकिन मैं उसे निकालूंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी नई फिश जो स्ट्रेस में आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। कितनी ज़्यादा क्यूट है, और मैं सोच रहा हूँ इन्हें पकड़ के ना दबा दूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, ये मछलियाँ हैं, कोई तुम्हारा टेडी बियर नियो नहीं है जो कि आप दबा देंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं इसका केयर और टिप्स तो मैं इसको संभालने के बाद ही बता पाऊंगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। वैसे सिकलेट फैमिली तो मैं बहुत सारी संभाला हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं है और पहली बार मैंने पाला है इसे, तो इसीलिए मैं आपको केयर और टिप्स बाद में बताऊंगा। और इसमें हम हाइडिंग प्लेस भी ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप लोग मेरा टैंक देख सकते हैं पूरा का पूरा खाली है, पूरा का पूरा खाली है, इसके छुपने के लिए जगह भी चाहिए। और बेटा फिश को चलिए बाहर निकालते हैं, अपन बाल्टी में रखते हैं कुछ दिनों के लिए। ए भाई हाँ, ये बेटा फिश देख सकते हैं एकदम स्टिल हो चुकी है, वैसे तो कोई इसे काट नहीं रहा है हमारी पोलर पैरेट को, लेकिन हम फिर भी बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं पोलर पैरेट उसके पास चली गई है, ये पोलर पैरेट, और इसका भी हमें नाम रखना ही पड़ेगा पोलर पैरेट का, हम पोलर पैरेट तो नहीं बुला सकते इसे। ये देखिए क्यूटी पोलर, तो जल्दी से इसका भी आप नाम मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर, और फिर हम नाम भी रखेंगे। और पैरोट का नाम मुझे थोड़ा सा मिल चुका है, मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे वो एकदम कन्फर्मेशन नहीं है कि मैं उसका नाम रखूंगा, लेकिन फिर भी हम मुझे एक माइंड में है, कोई भाई ने नॉडी कहा था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक जन ने तो पैरोट गैंग कहा था, बाप रे बहुत ही ज़्यादा सुंदर नाम था, तो ऐसे मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हूँ। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे, और कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट करके बताएं, और मैं बेटा फिश निकाल दूंगा थोड़ी देर में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।